नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा मैंगो का कल्टीवेशन चलेगा। मैंगो के कल्टीवेशन में हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके बोटेनिकल नेम से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद हम अगर आज देखते हैं मैंगो कल्टीवेशन, उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल को इन्हें सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लाइक करिए, शेयर कर दीजिए कि जो भी बच्चे अगर एग्रीकल्चर से संबंधित है तो उनका जितना भी क्वेश्चन अगर कुछ होता तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश ये करते हैं कि आपके जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन कहीं पर भी पूछे जाते सॉल्व हो जाए। तो इसको आप जरूर अच्छी तरीके से पढ़िएगा और वीडियो को आप जरूर इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आगे देखते हैं इंडिया शेयर यानी भारत का योगदान है। इंडिया शेयर भारत का योगदान 4% कितना हो जाएगा, 4% ऑफ द वर्ल्ड मैंगो कल्टीवेशन, ऑफ द वर्ल्ड मैंगो कल्टीवेशन यानी इंडिया से भारत के योगदान 4% ऑफ द वर्ल्ड मैंगो कल्टीवेशन यानी पूरे विश्व में जितना भी आम की खेती होती है, कल्टीवेशन मतलब खेती की जाती है, उसमें भारत का कितना प्रतिशत योगदान होता है, तो उसमें भारत का कितना 4% योगदान होता है। अगर हम मान लेते हैं 100%, 100% अगर पूरे विश्व में आम की खेती हो रहा है, कितना 100% हो रहा है, तो इसमें भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, तो भारत का कितना प्रतिशत हमारा 4% योगदान है, बाकी जो 96% में सभी कंट्री आ जाए, 4% में क्या हमारा हो जाएगा, इंडिया यानी भारत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना भारत का पूरे विश्व में आम की खेती में कितना प्रतिशत योगदान है, तो 4% हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल पीरियड यानी मुगल काल के समय मुगल पीरियड इज कंसीडर्ड मुगल पीरियड यानी मुगल काल के समय इज कंसीडर्ड मतलब माना जाता था ऐसे गोल्ड टाइम, क्या गोल्ड टाइम मतलब गोल्ड टाइम ऑफ मैंगो कल्टीवेशन। गोल्ड टाइम ऑफ मैंगो कल्टीवेशन यानी मुगल काल के समय जो आम की खेती हमारे मुगल आम की खेती होती थी उसे क्या सोने का समय माना, यानी आम को सोने का समय माना जाता था, या मुगल पीरियड इज कंसीडर्ड मुगल काल के समय माना जाता था ऐसे गोल्डन टाइम मतलब सोने का समय आम मैंगो कल्टीवेशन, जब आम की खेती करते थे उसे समझ लीजिए सोने का समय उस समय माना जाता, आम को सोना माना जाता था, क्या माना जाता था, सोना माना जाता कि हम सब सोने की खेती कर रहे हैं, जब आम की खेती करते थे तो उसे किस रूप में मुगल काल के समय माना कि हम सब सोने की खेती कर रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है मुगल पीरियड इज कंसीडर्ड मुगल काल के समय माना जाता था ऐसे गोल्डन टाइम मतलब एक सुनहरा या गोल्डन टाइम मतलब सोने का समय माना जाता था, अब मैंगो कल्टीवेशन आम की खेती को एक सोना समझ के उस खेती की जाए या सोने का समय माना जाए, ये क्वेश्चन इसका कहने का मतलब है। अब हम आगे देखते हैं अब हम देख लेते हैं कि आम का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है यानी एरिया इन प्रोडक्शन, तो अगर देख लेते हैं इन इंडिया यानी भारत में, क्या भारत में सबसे अधिक आम का क्षेत्रफल कहां पर, एरिया, एरिया मतलब क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो भारत में सबसे अधिक आम का क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो एरिया में हमारा किसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक आम का क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश। उसका आ जाता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब क्या हो जाएगा उत्पादन, हमारा क्या हो जाएगा उत्पादन, कि भारत में सबसे अधिक आम का उत्पादन किस राज्य का है, तो ये भी हमारा उत्तर प्रदेश, कि
किसका हो जाएगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। एरिया में भी हो जाएगा, एरिया मतलब क्या होता है, जितना पूरा आम की खेती की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। और प्रोडक्शन या उत्पादन की तरह जो टोटल मतलब पूरा उत्पादन होता है हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में जो कुल आम जो उत्पादन होता है टोटल देख लिया जाता है कि कितना उपज हुआ, वही हमारा क्या होता है, उत्पादन या प्रोडक्शन माना जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। क्या जो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या बोलते, उत्पादकता, इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। तो उत्पादकता में भी सबसे अधिक कौन सा, तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो अगर कोई पूछ लेता कि भारत में सबसे अधिक आम का क्षेत्रफल उत्पादन किस राज्य का है या उत्पादकता भी किस राज्य का, तो किसका हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो एरिया क्षेत्रफल मतलब जो पूरी हमारे उत्तर प्रदेश में खेती, कौन सा ऐसा राज्य जहाँ सबसे अधिक आम की खेती होती है, तो उत्तर प्रदेश। प्रोडक्शन, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ सबसे अधिक आम का उत्पादन होता है, जो कुल उपज सबसे अधिक किस राज्य का होता है, 2800 राज्य का देखा जाता है कि किस राज्य में सबसे अधिक आम का उत्पादन हो रहा है, तो भी उत्तर प्रदेश। और प्रोडक्टिव मतलब प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है, एक हेक्टेयर में सभी राज्यों से ले लेते हैं एक एक हेक्टेयर, तो एक एक हेक्टेयर ले लेते, अब देख लेते हैं कि एक हेक्टेयर में सबसे अधिक आम का उत्पादन किस राज्य का है, तो सबसे अधिक जो जो राज्य हो जाता है उसका हमारा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता हो जाता है, तो हमारे क्या उसमें भी क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये हमारा होगा प्रोडक्टिव, यानी एरिया प्रोडक्शन है प्रोडक्टिव, पर हेक्टेयर जो उत्पादन होता है उससे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, मैंगो शुगर कंटेंट, हाँ ये देख लेते हैं कि आम में चीनी की मात्रा, मैंगो शुगर कंटेंट मतलब क्या है, आम में चीनी की मात्रा कितनी पाई जाती है, ये महत्वपूर्ण, आम में चीनी की मात्रा कितनी पाई, 18-19%। तो अगर कोई पूछ लेता कि हमारा जो आम होता है उसमें चीनी की मात्रा कितनी होती है, 18-19%। उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, मैंगो फ्रूट कंटेंट हाईएस्ट विटामिन, या मैंगो इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन, आम किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है, मैंगो फ्रूट हाईएस्ट विटामिन, हाईएस्ट विटामिन यानी मैंगो फ्रूट, आम के फल में कौन से विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, हाईएस्ट विटामिन, तो कौन से विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, विटामिन ए। क्या जरूर, विटामिन ए हो जाए, ये जरूर ध्यान रखना। अब कितना पाए जाते हैं ये भी देख लेते हैं, 4800 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम यानी प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। अब आयु मतलब क्या होता है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय तौर यानी देश पे, जैसे हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है ऐसे हमारा क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय हमारा तौल, इंटरनेशनल यूनिट होता है, अंतर्राष्ट्रीय तौल होता है इसकी, कि देश देश के हिसाब से तौला जाता है। तो कितना पाया, 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम होता है। तो उसके बाद ये फर्स्ट, उसका सेकेंड नंबर पे हमारा ये फर्स्ट नंबर हो जाता है फलों में। अगर पूछ लेता कौन सा ऐसा फल जिनमें सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा ये मैंगो। उसका सेकंड नंबर पे हमारा हो जाएगा पपाया, क्या हो जाएगा, पपाया। पपीता में भी विटामिन ए जो होता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये कितना पाया, 20 IU प्रति 100 ग्राम यानी इंटरनेशनल यूनिट। तो पपीता में हमारा कितना पाया जाता है, 20 IU, लेकिन तो मैंगो में कितना पाया जाता है, 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, अब विटामिन ए से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे इसका केमिकल नेम पूछ लेता, अगर विटामिन ए का, विटामिन ए अगर ये पूछ लेता केमिकल नेम, क्या हो जाएगा, केमिकल नेम,
यानी रासायनिक नाम, हिंदी में हम क्या बोलेंगे, रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का हमारा रासायनिक नाम क्या हो जाता है, रेटिनॉल, क्या हो जाता है, रेटिनॉल हो जाता है। यह हो गया। अब आ जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, व्हिच डिजीज आर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो अगर कमी से पूछ लेता कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमारा क्या रहता हूं, डेली नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हमारा क्या हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी बीमारी होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, रतौंधी भी हिंदी में ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से हमारा नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। अब इसकी कमी को हमें पूर्ति करने के लिए इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो अगर फलों में हम देख लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, दूसरे नंबर पर पपीता हो जाता है। यह हो गया। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैंगो सीड कर्नल प्रोटीन कंटेंट, यानी आम के जो बीज होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। मैंगो सीड कर्नल्स प्रोटीन कंटेंट, तो जाना प्रोटीन कंटेंट, यानी मैंगो सीड कर्नल, यानी आम का जो बीज होता है क्या होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। यह महत्वपूर्ण आ जाता है कि आम का जो उसमें जो भी प्रोटीन पाया जाता हो तो अलग बात है, लेकिन तो आम का जो बीज होता है क्या, सीड होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, हमारा 8.5 से 9.5% पाया जाता है उसके बीज में प्रोटीन की मात्रा होती है। हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, वन लॉन्ग मैंगो ट्री, क्या एक लॉन्ग मैंगो ट्री मतलब डेसिजिनेटेड 80A, यानी उसे नामित है, डेसिजिनेटेड मतलब नामित है। तो इसको हम देख लेते, वन लॉन्ग मैंगो ट्री यानी 1,00,000 आम का पौधा, क्या फ्रीज हो जाएगा, क्या फ्रीज हो जाएगा, मतलब 1,00,000 आम का पौधा इज डेसिजिनेटेड, मतलब नामित है या प्रसिद्ध है, नामित या प्रसिद्ध, इसको दोनों लिख सकते हैं। 1,00,000 मैंगो ट्री इज डेसिजिनेटेड मतलब प्रसिद्ध है, 80,00,000 बाग, लाख बाग किसके नाम से प्रसिद्ध है, लाख बाग के नाम से इसे जाना जाता है। 1,00,000 मैंगो ट्री इज डेसिजिनेटेड मतलब प्रसिद्ध है, 80,00,000 बाग किसके, लाख बाग के नाम से जाना जाता है। यानी अब ये कहां पर स्थित है, यह महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी पूछा जाता है लाख बाग इज लोकेटेड टू, मतलब कहां पर स्थित है, या 1,00,000 मैंगो ट्री आज पाउंड, मतलब 1,00,000 मैंगो के पौधा कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा भाग है कि जहां पर आम के केवल 1,00,000 पौधे लगाए गए, तो कहां पर हो जाएगा, बिहार, तो हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, मतलब बिहार में एक ऐसा भाग है जहां पर 1,00,000 आम के पौधे लगाए गए हैं, मतलब इसे हम लाख बाग के नाम से भी जानते हैं। तो यह हो गया, 1,00,000 मैंगो ट्री डेसिजिनेटेड मतलब प्रसिद्ध या नामित है, 80,00,000 बाग के नाम से जाना जाता है। तो ये जानना है कहां पर स्थित है, बिहार में स्थित, बिहार की राजधानी क्या होती है, पटना। इतना हो गया। अब हम आगे देखते हैं,
आइडियल टेम्परेचर ऑफ मैंगो कल्टीवेशन, आम की खेती के उपयुक्त तापमान कितना होता है? आइडियल टेम्परेचर फॉर मैंगो कल्टीवेशन, मैंगो कल्टीवेशन मतलब ये हो जाए कि आम की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, आइडियल टेम्परेचर फॉर मैंगो कल्टीवेशन। तो आम की खेती के लिए हमारा उपयुक्त तापमान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ध्यान रखना कि अगर हम आम की खेती करते हैं उसके लिए हमें तापमान टेम्परेचर कितना चाहिए, तो हमारा जो तापमान या टेम्परेचर कितना चाहिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैंगो में टीएसएस की मात्रा क्या होता है, टीएसएस कंटेंट इन मैंगो। तो टीएसएस, तो सबसे पहले इसका हम पूरा नाम देख लेते हैं, टीएसएस टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, क्या ये टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स टीएसएस का पूरा नाम। तो पूछा ये क्या होता, हमारा समझ लीजिए शुगर होता, क्या शुगर मापने की इकाई होती, क्या होता शुगर मापने की, शुगर या चीनी मापने की इकाई होती है। तो आम में टीएसएस की मात्रा यानी मैंगो में टीएसएस की मात्रा कितना होता है 20% होता है, जो अच्छी वैरायटी होती है, नहीं तो उसमें 19% भी हो सकती। तो ये किसके अंदर, यानी हमारा जो शुगर होता है उसको मापने की एक इकाई होती है। तो आम में टीएसएस की मात्रा गुड वैरायटी ऑफ मैंगो, टीएसएस या टीएसएस कंटेनिंग गुड वैरायटी ऑफ मैंगो, आम की जो अच्छी वैरायटी होती है उसमें टीएसएस की मात्रा कितनी, तो 20% पाया जाता है, कितना हो जाएगा 20% होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं टोटल एडिबल देख लेते हैं, टोटल इडिबल मतलब कुल खाने वाला जो हमारे टोटल मैंगो की जो स्पीसीज होती है खाया जाता है। तो मैंगी फेरा स्पीसीज 60, यानी टोटल कुल खाने वाला मैंगो, आम की जातियां कितनी है 60 जातियां पाई जाती, यानी आम की कुल कितनी जातियां पाई जाती है जो हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। टोटल इडिबल मतलब कुल खाने वाला, मैंगी फेरा स्पीसीज आम की कुल खाने वाली जातियां कितनी होती है, कितनी जातियां पाई जाती है 60 जातियां पाई जाती है। अब इसको किसने दिया था, इज गिवन बाय, इसको किसने दिया था कि आम की कुल जो 60 जातियां होती जो खाने योग्य होती है। कोस्टर मैंस एंड बॉम्पर्ड किसने दिया था, कोस्टर मैन एंड बॉम्पर्ड ने दिया था, और कब दिया था यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1993 में, कब दिए थे 1993 में दिए थे। तो यह हमारा है कि टोटल इडिबल मतलब कुल खाने वाले जो होता है मैंगी फेरा स्पीसीज आम की जातियां कितनी है 60 है, कितनी हो जाएगी 60 इज गिवन भाई, इसको किसने कहा था या किसने बताया था, तो कोस्टर मैंस एंड बॉम्पर्ड ने कब कहा था 1993 में, कब इन्होंने बताया था 1993 में इन्होंने बताया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मैंगो फॉर्मेशन जो हमारी क्या होती है बीमारी होती है, फर्स्ट ऑब्जर्वर मतलब देखा गया था,
और कहां पर देखा जाता है ये क्वेश्चन, हमारे जनरल क्वेश्चन हम आप सबको बता दे रहे हैं। मैंगो माल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, मैंगो माल फॉर्मेशन ये हमारा क्या है, बीमारी है। वाज फर्स्ट ऑब्जर्वेड, ऑब्जर्वेड मतलब इसे देखा गया था इन कहां पर, बिहार में, कहां पर देखा था, देखा गया था बिहार में 1891 में देखा गया था, 1891 में बिहार में देखा गया था। तो यहां से आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि मैंगो माल फॉर्मेशन बीमारी किस में लगती है। फर्स्ट आप पहली बार ये देखते हैं कि मैंगो माल फॉर्मेशन बीमारी किस में लगती है, आम में लगती है, किस में लगती है, आम में लगती है। वाज फर्स्ट ऑब्जर्वर मतलब पहली बार देखा गया था कहां पर, बिहार में, और कब देखा गया था तो 1891 में देखा गया था। ये आपके क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आम की जो मैंगो माल फॉर्मेशन बीमारी किस में लगता, आम में लगता, और कब देखा गया था 1891 में देखा, और कहां देखा गया था तो बिहार में देखा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, आम की बीज रहित प्रजाति, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी, यह महत्वपूर्ण आ जाता है। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी हो जाएगी, तो आम की बीज रहित हमारी प्रजाति जो हो जाएगी सिंधु, क्या हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। यानी मतलब इसमें क्या होता है, बीज नहीं पाए जाते। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी हो जाएगी, तो सिंधु हो जाएगा। अब इसमें कितने प्रतिशत पल्प या गूदा पाया जाता है, पल्प या गूदे की मात्रा, गूदे की मात्रा अगर पूछ लेता कि कितना पाया जाता है, 85% इसमें पल्प या गूदे की मात्रा पाई जाती है। तो ये किसके क्रॉस से बनाया गया, अगर कोई पूछ लेता कि ये किसके क्रॉस से बनाया गया, सिंधु हमारी जो वैरायटी किसके क्रॉस से बनाया गया है, तो रतना इंटू अल्फांसो, किसके क्रॉस से बनाया गया, रतना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से बनाया गया। ये ध्यान रखना कि आम के बीज रहित प्रजाति कौन से होती है, सिंधु होता है, क्या होता है, सिंधु होता है। इसमें पल्प या गूदे की मात्रा 85% होता है, तो किसके क्रॉस से बनाया गया, तो रतना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से बनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो, स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो, और स्वीटेस्ट वैरायटी मतलब क्या हो जाएगा कि आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन, स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो यानी आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी, चौसा, क्या हो जाएगा, चौसा हो जाए, ये ध्यान रखना। तो आम के सबसे मीठी प्रजाति हमारी कौन सी हो जाएगी, चौसा हो जाएगा। सीडलेस वैरायटी हमारी कौन सी हो जाएगी, तो हमारा सिंधु हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने आप सबको बताया मैंगो कल्टीवेशन के हमारा दूसरा लेक्चर है, तो धीरे धीरे करके हम मैंगो पूरे कल्टीवेशन को समाप्त कर देंगे। तो हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। अगर आप कमेंट भी जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा मनोबल जो है बढ़ेगा कि आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को देखा है और सब्सक्राइब भी किया और कमेंट किया कि आप सबको हमारी जो पढ़ाई आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।